प्रोजेक्ट है विच हैज़ बीन ऑलरेडी डिलीवर्ड इन द एरिया एंड आप जब यहाँ पर देखते हैं तो आपको पूरी हैबिटेशन दिखती है. यू कैन फिगर आउट द पीपल आर रिजाइडिंग ऑलरेडी रिजाइडिंग इन दिस पर्टिकुलर प्लेस. और हम बात कर रहे हैं आज से 2 से 3 साल बाद की. सो वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइज आर हैविंग अ वेरी ग्रेट टाइम. इन टूडेज वीडियो वी आर एट अ वेरी न्यू लोकेशन विद अ डिफरेंट डेवलपर एंड विद अ टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हाउसिंग. दिस विल बी एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो हम इस वीडियो में रिव्यू करेंगे. लैंडमार्क डेवलपर्स का ये प्रोजेक्ट है एंड जो मैंने आपको प्राइसिंग डिटेल्स ऑलरेडी नीचे डाली हुई हैं आप लोगों ने देख ली हैं एंड यू हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो. दिस विल बी अ सोलली इन्वेस्टमेंट कम एंड यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज टू ओन अ होम, ओन अ 3 BHK इन गुड़गांव. आप लोग जानते हैं कि बाकी माइक्रो मार्केट्स जैसे हम न्यू गुड़गांव की बात करते हैं या फिर हम द्वारका एक्सप्रेसवे और वी टॉक अबाउट गोल्फ कोर्स एंड एक्सटेंशन, द पर स्क्वायर फीट प्राइस हैज़ शॉट अप वेरी हाई. दैट अफोर्डेबिलिटी सेगमेंट तो कहीं दूर दूर तक दिखता नहीं है. वहाँ पर 20,000-25,000 बहुत नॉर्मल टॉक्स हो गई है वहाँ की लोकेशंस के लिए. एंड तो उसी के बीच में हमें एक ऑप्शन मिलता है लैंडमार्क डेवलपर्स के बिहाफ पे. दिस इज़ अ लो राइज कंस्ट्रक्शन बींग डन बाई दीज डेवलपर्स. प्रोजेक्ट का नाम है अवाना एंड यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं टू ओन अ रेजिडेंशियल प्लॉट एंड अ फ्लोर एट द सेम टाइम. वट ब्रिंग्स मी टू दिस लोकेशन इज द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ऑफ दिस लोकेशन. तो कोई भी इन्वेस्टमेंट तभी सक्सेसफुल होती है व्हेन यू गेट अ फ्रूटफुल रिटर्न एंड पीपल वुड लाइक टू कम एंड रिजाइड इन दैट प्लेस. आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्रूटफुल तभी होगी जब कोई कल उसे कोई परचेज करने में इंटरेस्टेड होगा. दैट दे वुड इमेजिन living themselves in that property and that is how investment works. So particularly why I am in sector 95 in this project. First of all, ticket size bahut hi lucrative hai. Aapko 1.1 ke aas pass mein yahan pe aapko floors ki inventory mil jati hai. Plots ka bhi pricing hai, plots ki availability bhi hai. So if someone would be interested in land investment, that can also be figured out. So we are here particularly for the location of the project. ये जो 14 एकर्स का लैंड पार्सल है ये आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है पटौदी रोड से विच इज़ जस्ट 300 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. आप लेते हैं यहाँ से लेफ्ट और जाते हैं टुवर्ड्स दैट एरिया. सो दैट इज़ द मेन पटौदी रोड ऑफ द लोकेशन एंड वहाँ पर आपको दिख रही है कुछ व्हीकुलर मूवमेंट विच इज़ मूविंग एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो वहाँ पर भी आपको कुछ व्हीकुलर मूवमेंट दिख रही है सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया हाउ नियर द प्रोजेक्ट इज़ फ्रॉम द मेन हाईवे. Why I am calling it as a highway, that because the Patodi Road has been declared a national highway some time back and is pe chal rahi hai kafi development. Same as you can say, jaise ki aapne develop hote hue dekha hai Dwarka Expressway ko, golf course extension area ko, the same kind of development, not a particular one ki aap utna development dekh rahe hain, but still area ke hisab se kafi development yahan par chal rahi hai. Agar aap pehle se compare karte hain to yahan par kuch bhi nahi tha and things are changing and developing in a very fast pace. So is road ko kar rahe hain kafi wide which is 75 meter and also they are building an elevated part on this particular highway which will be access controlled just like elevated Sona road and all these projects. So this will be a very good benchmark for the connectivity of KMP expressway and at the same time Dwarka expressway. You will understand the location only when you can sit with the map and understand the connectivity of this particular road. So also this road is giving you a direct connectivity to the central Gurgaon. So this is how the location of the project is and obviously jahan par bhi aapne past mein dekha hai development jahan jahan hoti hai wahin wahin par aapko appreciation milta hai. Aur secondly why I am in this project is that surroundings mein jitne bhi aap रेजिडेंशियल्स देख रहे हैं सबका जो कंसेप्ट है वो हाई राइज में ही रहा है एंड आपको जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो वाइब मिलती है वो है लग्जरी लो राइज फ्लोर्स एंड प्लॉट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है. सो दिस वॉज सम बेसिक डिटेल ऑन द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट कि आपको यहाँ पर मिल क्या रहा है. प्राइजिंग ऑब्वियसली आपने देख ली है और एज आई टोल्ड दिस विल बी अ वेरी लुक्रेटिव डील फॉर एन इन्वेस्टमेंट. बिकॉज क्यों इन्वेस्टमेंट इसलिए बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है 5 साल का रेरा टाइम है. अगर डेवलपर 3.5-3 साल तक भी चीज़ दे देता है 4 साल तक भी दे देता है आपको जो पेमेंट प्लान है वो अकॉर्डिंगली पे करना है. सो इट इज़ नॉट लाइक अ अपफ्रंट 100% अपफ्रंट पेमेंट. यू विल बी गेटिंग 10-20-30% एंड देन देर विल बी अ गैप ऑफ 1 year 1.5 year विच इज़
वेरी गुड. एंड एट द सेम टाइम अगर आपको पोजीशन जल्दी मिल जाता है प्रोजेक्ट का, दैट इज़ ऑल्सो अ विन विन सिचुएशन फॉर द इन्वेस्टर हु हैज़ प्लांटेड मनी इन दिस प्रोजेक्ट. एंड कमिंग टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपको मिल रहा है स्ट्रक्चर बेसमेंट स्टिल्ट प्लस 3 फ्लोर्स का. सो जो इन्वेंट्री मिलती है वो मिलती है हमें 3 BHK की, एंड बेसमेंट में हमें एक मिलता है डेडिकेटेड स्पेस फॉर सम एक्स्ट्रा स्टोरेज. दिस विल बी फुली लोडेड फ्लोर्स विद इटालियन मार्बल एंड अ लग्जरी किचन, एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी गिवन टू यू इन दी प्रॉपर्टी. एंड दिस इज़ दी फेज वेयर दी लो राइज विल बी डेवलप्ड. सो जो आप ये राइट साइड में जो सारा आप लैंड पार्सल देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सारे प्लॉट्स हैं, एंड यहाँ पर आपके स्टिल्ट में और प्लस 3 में यहाँ पर आपको फ्लोर्स मिलते हैं. और जो ये आप काफ़ी बड़ा सा जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ एग्जैक्टली ऑफ 2.5 acres, जहाँ पे आपको सारी एमिनिटीज़ मिल जाती हैं इस लो राइज प्रोजेक्ट में. यहाँ पर आपको कम्युनिटी फैसिलिटीज़, ग्रीन एरियाज, क्लब्स एंड ओपन जिम एंड बेसिक सारी जो नेसेसिटीज़ होती हैं एक गेटेड टाउनशिप की, वो मिल जाती है. एंड एज आई टोल्ड गेटेड, सो दिस विल बी अ 100% गेटेड प्रोजेक्ट विद पावर बैकअप. देर विल बी अ डेडिकेटेड कार पार्किंग स्लॉट फॉर यू गाइज टू पार्क योर कार, एंड जस्ट you can take an elevator from your stilt area to your residence. So this was some basic information on the project. Also mentioning the project was launched in 2 phases. So abhi main khada hu iske phase 2 mein, jo aap is taraf mein dekh rahe hain, jo ye aap ye hoardings dekh rahe hain, iske piche inka phase 1 tha jahan par inhone only plots launch kiye the, and that has been sold. So wahan par abhi construction ka and plotting ka kaam chal raha hai, which is again under construction. जो इनका ये फेज़ 2 है जिसमें अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर आपको अगेन प्लॉट्स के कुछ डेडिकेटेड लेन्स मिलते हैं जो पर्टिकुलरली जिसमें प्लॉट्स रहेंगे, एंड बाकी आपको यहाँ पर मिलती है फ्लोर्स की इन्वेंट्री. एंड टू माय नॉलेज, ये जो आप सेक्टर की हम बात कर रहे हैं 95 में, काफ़ी लोगों को लगता है कि 95 में क्या है, कौन जाएगा, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्या रिजल्ट आएगा नहीं. सो आई विल जस्ट गिव यू सम एश्योरेंस ऑन दिस लोकेशन कि लोकेशन की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट, मेरे पर्टिकुलरली मेरे जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर ROF अनंदा एक प्रोजेक्ट है विच हैज़ बीन ऑलरेडी डिलीवर्ड इन द एरिया. एंड आप जब यहाँ पर देखते हैं तो आपको पूरी हैबिटेशन दिखती है. यू कैन फिगर आउट द पीपल आर रिजाइडिंग ऑलरेडी रिजाइडिंग इन दिस पर्टिकुलर प्लेस. और हम बात कर रहे हैं आज से 2 से 3 साल बाद की इन्वेस्ट रिटर्न्स की जो यहाँ पर बनने वाली है चीज़. तो उस माइंडसेट्स के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो वी थिंक दैट दिस कैन बी अ वेरी फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट. पर्टिकुलरली लग्जरी फ्लोर्स एक बहुत ही लुक्रेटिव टिकट साइज में हमें मिल जाते हैं. द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया कि आपको क्या साइज मिल रहा है एंड आपको क्या डील्स मिल रही हैं एंड व्हाट द प्राइजिंग इज. सो दिस वॉज माई टेक ऑन लैंडमार्क अवाना. यू कैन ऑलवेज कनेक्ट अस फॉर सम क्वेरीज. थैंक यू सो मच फॉर बींग टिल, इट मीन्स अ लॉट. आई विल सी इन द नेक्स्ट वन वेरी सून. थैंक्स.